नमस्कार, मैं मंजू मिश्रा। मंजू रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ नया रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आलू और पत्ता गोभी की बहुत ही झटपट बनने वाली सब्जी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने पत्ता गोभी को लेकर के इसे छोटा छोटा पतला पतला पीस में काट लिए हैं। काट करके इसे हम अच्छी तरह से धो लिए हैं। ये आलू है, आलू को ऊपर से स्क्रैच करके छिलका इसका छील लिए हैं और इसे भी हम छोटा छोटा पीस में काट लिए हैं। इधर गैस ऑन करके कुकर को चढ़ा दिए हैं और कुकर में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल को डाल दिए हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम 1 चुटकी हींग को डाल देते हैं। थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा राई को डाल देते हैं। राई और जीरा चटकने लगा, अब इसमें हम 1 छोटा सा प्याज को लेकर के इस तरह से हम बारीक काट लिए हैं। आप चाहें तो पतला पतला लंबा लंबा पीस में भी काट सकती हैं और इसे हम डाल देते हैं। साथ में 1/2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट उसे भी डाल देते हैं और पहले प्याज को हल्का भून लेते हैं। प्याज हल्का भुना गया है, अब इसमें हम आलू को डाल देते हैं और प्याज के साथ ही आलू को भी भून लेते हैं। प्याज और आलू दोनों अच्छी तरह से भुना गया है, अब इसमें हम मसाला को डाल देते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। साथ में इसमें स्वाद अनुसार नमक को भी डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और तब मसाला को भी हल्का भून लेते हैं। मसाला अच्छी तरह से भुना गया है, अब इसमें हम 1 मीडियम साइज का टमाटर को बारीक काट लिए उसे डाल देते हैं और 1-2 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए टमाटर को भी भून लेते हैं। टमाटर भी भुना गया है, अब इसमें हम कटा हुआ पत्ता गोभी को डाल देते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे हम इसी तरह से 1-2 मिनट तक भून लेते हैं। सब्जी को भूनने के बाद अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर को डाल देते हैं। और थोड़ा सा पानी को डाल देते हैं और इसे हम मिला लेते हैं पहले। और कुकर का ढक्कन को लगा करके तेज आंच पे 1 सीटी इसे आने देते हैं। 1 सीटी तेज आंच पे आने के बाद गैस को ऑफ कर देते हैं और कुकर को इसी तरह से ठंडा होने देते हैं। कुकर ठंडा हो गया, अब सब्जी को चेक कर लेते हैं। मात्र 5 मिनट में आलू पत्ता गोभी की सब्जी बनकर के तैयार है। अब हम ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ती को डाल देते हैं और इसे हम 1 प्लेट में निकाल लेते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।